पंचायत समिति की 37 ग्राम पंचायतों के चुनाव कल संपन्न हो चुके हैं। सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान हुए हैं। पुगल पंचायत समिति की हनुमान नगर में भी कल 639 वोटों से बलराम जाखड़ निर्वाचित हुए हैं। इस दूरदराज की ग्राम पंचायतें आज भी कई सुविधाओं से वंचित हैं। बात करें तो शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर आज भी कई समस्याएं नजर आ रही है। ज़्यादातर भूमि आवंटन व आवासीय पट्टों को लेकर समस्या है, तो वहीं इस बार युवा सरपंच मैदान में आए हैं और युवा सरपंच से लोगों ने उम्मीद जताई है कि इस बार अवश्य ही क्षेत्र के अंदर विकास कार्य करवाए जाएंगे। हमारे साथ हनुमान नगर के सरपंच, युवा सरपंच बलराम जाखड़ इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, आपकी जीत, एक इस छोटी सी उम्र के अंदर आप 639 मतों से विजय हुए हैं, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? पूरी ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं का और पूरी ग्राम पंचायत के जितने भी निवासी लोग हैं उन सभी को मैं श्रेय दूंगा। दूर दराज की ग्राम पंचायत होने के कारण कई समस्याएं हैं, ऐसी क्या समस्या है जिसका आप जल्द निवारण करेंगे? शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है एक तो, और सड़क की सुविधाओं और पानी की सुविधा और बिजली की सुविधा, ये करवाने का मेरा प्रथम कार्य यही रहेगा। दूर दराज की ग्राम पंचायत हनुमान नगर में बालिका विद्यालय नहीं है, जीएसएस की बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को घर तक लाइट नहीं पहुंच रही है। आप युवा सरपंच हैं, बड़ी लोगों को उम्मीद है, क्या प्राथमिकता रहेगी, किस स्तर तक कार्य करवाएंगे? सर, एक तो जीएसएस बनवाने का जल्द से जल्द कार्य कोशिश रहेगी और बालिका जो ग्राम पंचायत दूर दराज से जितने भी लड़के आ रहे हैं उनके लिए सड़क की सुविधा नहीं होने के कारण उनको पैदल आना पड़ता है, कोई गाड़ी की और कोई चीज़ की सुविधा नहीं है, इसलिए कोई साधन वगैरह की सुविधा करवाएंगे, सड़क बनवाएंगे और ये बालिका विद्यालय बनवाने की भी कोशिश करेंगे। आपके युवा होने के नाते युवाओं मतदाताओं को आपसे बड़ी उम्मीद है, युवाओं के लिए आप क्या विशेष करेंगे? खेल स्टेडियम का करेंगे और जितने भी सुविधाएं होगी मेरे से युवा भाइयों के लिए वो सारी सुविधाओं का लाभ देने का प्रयास करूँगा। एक बात करें तो नरेगा के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, इस बार मतदाताओं ने ज़्यादातर यही कहा है कि नरेगा के अंदर भ्रष्टाचार रुके, ऐसे सरपंच का हम ग्राम की सरकार चुने ताकि भ्रष्टाचार रुके। जी सर, भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है, पहली बात तो हुआ ही नहीं है भ्रष्टाचार पिछले 5 सालों में, अभी 2014 में पंचायत बनी है उसके बाद कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। बिल्कुल, ये थे सरपंच, इनका कहना है कि निश्चित रूप से जितने भी विकास कार्य होंगे उसको प्राथमिकता दी जाएगी, शिक्षा व चिकित्सा क्षेत्र के अंदर आगे विकास कार्य करवाए जाएंगे। जहां बालिका विद्यालय की बात आती है तो इनका कहना है कि ज़्यादातर बच्चियों को बाहर दूर तक जाना पड़ता है, ऐसे में यहाँ पर बालिका विद्यालय की भी आवश्यकता है। जीएसएस बिजली के मुद्दे पर भी सरपंच ने कहा है कि निश्चित रूप से जो ग्रामीण के अंदर जो समस्या है उसको जल्द ही निवारण किया जाएगा। टुडे 24 के लिए सुरेंद्र डेलू, बीकानेर।